सही कहा है किसी ने कि अनप्लान ट्रिप्स आर दी बेस्ट, सो ये भी उनमें से एक है। आई नो मैं बहुत लेट हूँ इसे पोस्ट करने में, बट चलेगा। हमारे प्रॉफ्स के सिर्फ थ्योरी के पेपर ख़त्म हुए थे, जो कि किसी जंग में लड़ने से कम नहीं है। तो अब इसके बाद एक ब्रेक तो बनता है, तो हम सब तैयार हो गए कहीं बाहर जाने के लिए, पकड़ी स्कूटी और निकल पड़े। लेकिन ये नहीं पता है कि जा कहाँ रहे हैं, बस अब निकल चुके हैं तो कोई ना कोई मंजिल तो मिल ही जाएगी। और स्कूटी पानी पे तो चलती नहीं, तो पेट्रोल भी तो होना चाहिए। हम सबका मन किसी शांत सी जगह पे जाने का हो रहा था, तो सोचा कि काठगोदाम साइड ही क्यों ना चला जाए। मे बी यू कैन कॉल इट ग्रीन टाइम और इको थेरेपी, क्योंकि इस रोड पे चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। अब यही काफ़ी है टू कीप यू अवे फ्रॉम दैट स्लगिश और स्ट्रेस्ड आउट लाइफ। जितना स्ट्रेस पूरे साल भर में नहीं होता, उतना तो ये MBBS के प्रॉफ में हो जाता है। और हम पहुंच गए शीतला माता मंदिर, जो कि 7-8 किलोमीटर दूर होगा हल्द्वानी से। ये तुम हमारी पार्किंग एरिया में लगा रहे हो, चलो चलो। मुझे भूख लग रही है। ओह, यहाँ पे भूख से मरते हुए लोग। अरे वो कॉलेज में, अरे अपने हम जा सकते हैं, CM वाले हम भाई, ये भुक कर लोग तुम सारे भाई। बाकी साथी नहीं पहुंचे हुए थे, तो ये जोरदार ताली उन्हीं के लिए बजाई जा रही है कि जल्द पहुंच जाएं, इतना देर हमें इंतजार कराया गया है। पास में ही शॉप थी, तो सोचा हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए। हम इतने भी धार्मिक नहीं है कि भाई भूखे पेट जाएंगे मंदिर। शीतला माँ का मंदिर 10-15 मिनट की ऊपरी चढ़ाई पे जाके है, सो हियर वी गो। गाइस यहाँ के व्यू के बारे में बताइए। व्यू इज जस्ट लाइक मी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो गाइस, क्या आपको इस मंदिर के पीछे की हिस्ट्री पता है? नहीं ना, तो रुकिए मैं बताती हूँ। भीमताल के पांडे लोग अपने गांव में माँ शीतला का मंदिर बनाने के लिए बनारस से मूर्ति ला रहे थे, तो उनको पैदल यात्रा करते करते शाम हो गई थी और वह रानी बाग में ही विश्राम करने के लिए रुक गए। तो रात में एक व्यक्ति को इसी जगह में माँ की स्थापना का सपना आया और उसने इसके बारे में अपने साथियों को बताया, तो उनको विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो वो सुबह मूर्ति उठाने के लिए गए, लेकिन मूर्ति उठ ही नहीं पाई, तो फिर उन्होंने उसी मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया। और इसके बाद हम खाते पीते वापस हो लिए अपने कॉलेज की ओर, क्योंकि आगे भी तो यार प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। दिस इज़ हाउ वी स्पेंड दैट डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।